जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आप अगर किसी भी तरह का तंबाकू प्रोडक्ट रिटेल, होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोबैको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंस आपको कैसे अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, पैसा कितना लगेगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमारा एक क्लाइंट का, हमने सभी लाइसेंस अप्लाई किया है और मैं आपको वन बाय वन दिखा दूंगा और उसके लाइसेंस के डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो लाइसेंस है उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है और आप चाहे इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर आप बिजनेस क्यों ना करो, ये लाइसेंस लेना आपके लिए कंपलसरी है। तो देखिए, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन इस तरह दिखता है। सबसे ऊपर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर आएगा, उसके नीचे आपका बिजनेस का नेम रहेगा, उसके नीचे आपका बिजनेस का एड्रेस डिटेल्स रहेगा और सबसे नीचे देखिए आपका बिजनेस क्या है वो मेंशन होगा। देखिए, रिटेल सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, देखिए सब कुछ इधर मेंशन होता है। देखिए, होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सब मेंशन होता है आपका बिजनेस क्या है। देखिए, और सबसे नीचे जाएंगे आपका कौन सा ऑफिस से इशू हुआ है, वो ऑफिस का नाम और एक क्यूआर कोड रहता है, उसको भी स्कैन करके या आप डिटेल्स ले सकते हो। तो ये है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन और इसका जो वैलिडिटी होता है ये लाइफ टाइम के लिए होता है। आप एक बार अप्लाई करेंगे, लाइफ टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो लाइसेंस है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले और एक लाइसेंस बता देता हूँ। इसका नाम है ISO सर्टिफिकेट। ISO सर्टिफिकेट, देखिए ISO सर्टिफिकेट भी ये आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपको रिसीव होता है और आप जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल करते हो वो अच्छा क्वालिटी का है बोल के ये सर्टिफिकेट होता है। तो देखिए, सर्टिफिकेट पे सबसे ऊपर क्यूआर कोड रहता है, उसको आप स्कैन करके आप खुद चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका बिजनेस का नेम, बिजनेस का एड्रेस, आप क्या बिजनेस करते हो, देखिए रिटेल होलसेल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, ये सब मेंशन होता है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट का नंबर, कौन सा डेट पे इशू हुआ है और कौन सा डेट पे एक्सपायर होगा, वो सब मेंशन होता है। और इधर पे देखिए ऑफिसर का सिग्नेचर रहता है और ये सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है 3 साल, 3 ईयर के लिए होता है और आफ्टर 3 ईयर ये सर्टिफिकेट को आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी इंडिया में आप किसी भी स्टेट पे क्यों ना हो, ये आपको लेना कंपलसरी है। अभी नंबर 3 पे जो लाइसेंस है उसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। इसको तो आप जानते ही होंगे, किसी भी तरह का खाने या पीने का प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये लगता है, ये कंपलसरी लाइसेंस है और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू होता है। देखिए, इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस। सबसे ऊपर क्यूआर कोड, लाइसेंस का नंबर होता है, उसके नीचे आपका लाइसेंस का नाम, उसके नीचे आपका एड्रेस, साइट में आपका फोटो और इधर आप क्या करते हो, रिटेल होलसेल जो भी करते हो उसका डिटेल्स रहता है। उसके बाद देखिए कौन सा डेट पे इशू हुआ है, कौन सा डेट पे एक्सपायर होगा, ये सब रहता है। और ये जो है ये कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है जिसको आप रीड कर सकती हो और ये 4 पेज का होता है। और इसका जो ये जो पहला पेज है इसका प्रिंट आउट निकाल के आपका दुकान पे रखना होता है। तो ये जो मैंने आपको ये 3 लाइसेंस बताया, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन ये पहला वाला, ISO और फूड लाइसेंस ये तीसरा वाला, ये आप इंडिया में किसी भी स्टेट पे आपका टोबैको बिजनेस करोगे ये लाइसेंस लेना आपके लिए कंपलसरी है और ये आपका सेंट्रल लेवल का लाइसेंस होता है। अभी चलते हैं स्टेट लेवल का लाइसेंस। ये जो स्टेट लेवल का लाइसेंस है ये जो हमारा क्लाइंट है ये महाराष्ट्र का है, इसीलिए उनका जो स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से हमने लिया है। आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट
आपका होगा वही स्टेट गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना होगा या फिर हम आपको अप्लाई करा के देंगे। ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा आपका ही स्टेट गवर्नमेंट से ये लाइसेंस लेना होगा। हमारा क्लाइंट ये महाराष्ट्र का है इसीलिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से हमने लिया है। देखिए जो भी महाराष्ट्र का क्लाइंट है ये लाइसेंस को वो पहचानते ही होंगे, गुमास्ता लाइसेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए टोबैको प्रोडक्ट इस तरह का ट्रेड लाइसेंस होता है। आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसी स्टेट गवर्नमेंट से आपको हम लाइसेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो टोटल ये चारों लाइसेंस लगता है टोबैको बिजनेस के लिए। अगर आपका बिजनेस का ईयरली टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन और एक्साइज रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा, लेकिन 20 लाख से कम है तो ये चारों लाइसेंस से आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। और ये सभी लाइसेंस आपको 7 to 10 days 7 से लेकर 10 दिन के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको इस तरह व्हाट्सएप पे PDF फॉर्मेट पे ये सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के आपका दुकान पे आपको रखना होता है। ये कोरियर के माध्यम से आपका घर पे नहीं पहुँचता है कोई भी लाइसेंस, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये सभी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जिनके नाम पे लाइसेंस निकालना है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। अगर उनका दुकान या जो भी जहाँ पे वो टोबैको का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो अगर खुद का ज़मीन पे है तो उस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। अगर वो रेंट भाड़े पे लेके शुरुआत कर रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट जिसको किरायेनामा बोलते हैं वो देना होगा। हमको ये सभी डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करोगे उसके बाद हम आपको इस तरह का लाइसेंस बना के सेंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको टोबैको बिजनेस का लाइसेंस अप्लाई करना है स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए और आपका टोबैको बिजनेस का लाइसेंस प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।